guys, welcome or welcome back to my channel and I'm back with another haul video and this time I've ordered so many cute dresses, like affordable cute dresses. So without any further ado, let's get started. So ये भी कुछ dresses तो मैं धीरे धीरे open करती हूँ. I guess 6 dresses है मेरे पास and let's see कि कैसी आई हैं. All right, तो सबसे पहले ये वाली dress खोलते हैं जो कि मैं बहुत excited हूँ कि ये कैसी होगी and ये छोटे packet में भी है, so that's why इसको पहले खोलेंगे. It's in the shade maroon और wine shade, I guess, and मैंने आज nail paint भी कुछ ऐसे लगा रखी है. ये Tokyo Talkies से लिया मैंने, by the way, सारी की सारी ड्रेसेस, क्योंकि काफी रीजनेबल प्राइसेस पे वो ऑफर कर रहे हैं ड्रेसेस, तो मैंने सोचा कि ट्राई करके देखी जाए. एंड सारी की सारी ड्रेसेस स्मॉल साइज में है. मैंने अभी पहन रखी है ड्रेस, ये मैंने अर्बेनिक से ली थी, तो इसकी भी स्लीव्स ऐसी है, सेम जैसे इसकी है ना वैसी. एंड ये जॉर्जेट है मटीरियल, इट्स इन जॉर्जेट मटीरियल. यहाँ पे इलास्टिक बैंड दे रखा है और पूरी ओवरऑल ड्रेस ऐसी ही है. नीचे से फ्लेयर आ रहा है ऐसे, सामने से इसका गला इस स्क्वायर कट और जो इसका चेस्ट एरिया है वहां पे पैटर्न बन रखा है. पीछे इसके जिपर दे रखा है, काफी लंबा नीचे तक जा रहा है और अंदर लाइनिंग भी दे रखी है इसकी रेड कलर की. ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई वो थोड़ा सा ना रियल लाइफ में डल सा लग रहा है. मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा, मतलब उठ के आती है ना कुछ चीजें, कि थोड़ा सा मुझे डर लगा. बट ऐसे अगर आपको कलर चाहिए हो वाइन में तो ये वाला कलर डीप मेहरून, आई गेस मेहरूनिश में, तो ये अच्छा लगेगा. बाकी ट्राई ऑन तो आपको यहाँ दिख जाएंगे और प्राइजेस मैं मेंशन कर दूंगी यहीं पर स्क्रीन पे आसपास कहीं पर. एंड जो इसकी स्लीव्स यहाँ से आती है ना गाइस, पफर लुक यहाँ से थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने, एज यू कैन सी. एंड ओवरऑल ड्रेस पे ऐसे से सर्कल वाला स्पॉटिंग हो रखी है, लाइक स्पॉट्स हैं छोटे 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 छोटे. सो या, ये हमारी फर्स्ट ड्रेस जो कि अच्छी है नो डाउट, बट मुझे थोड़ी डल लगी, लाइक सामने से इन रियलिटी अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा डल सा फिनिश है. मुझे लगा थोड़ा अच्छा सा होगा ना मटेरियल, बट ये थोड़ा सा डल है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रेस. दिस इज अ नेवी ब्लू और रॉयल ब्लू, आई डोंट नो, मेरे को ब्लू के इतनी कैटेगरीज नहीं पता, बट जो इसका, वाओ दिस इज प्रिटी यार. इसमें ना चेकर्स प्रिंट है, एकदम चेक में प्रिंट है, वो भी लाइक ब्लू और ब्लैक की डिटेलिंग से चेकर प्रिंट है. ये थोड़ी कोरियन वाइब दे रहा है. एज यू कैन सी इसका जो नेक है वो ऐसा है एंड जो इसकी स्लीव्स है वो वैसी ही है, बट इसकी जो स्लीव्स है ना वो अलग से थोड़ी और पतली और मेश में नहीं है, इसी कपड़े की है इन्होंने दे रखी. और यहाँ पे इन्होंने बटन्स भी दे रखे हैं एज यू कैन सी. और नीचे से दो लेयर ऐसे फ्रिल वाली आ रखी है जो कि बहुत ही प्रिटी लगती है गाइस. सामने से कुछ ऐसा है, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी. और ये मुझे थोड़े हैवी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये ड्रेसेस हैवी क्यों लग रहे हैं, आई डोंट नो. एंड अंदर इसकी लाइनिंग भी दे रखी है एज यू कैन सी. सो एंड इट्स ऑल्सो इन स्मॉल साइज, काफी प्यारी है ये, पूरी कोरियन वाइब दे रही है गाइस. मुझे पसंद आई ये वाली, लाइक इसमें वो डल सा इसलिए नहीं लग रहा हो, मे बी वो कलर थोड़ा अलग है. ये वाला कलर सेम ऐसे ही है, कुछ शाइन वाइन ऐसा तो नहीं है, बट ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे. एंड काफ़ी अच्छा प्रिंट है इसका, चेकर वाला प्रिंट है, बहुत प्यारा है. अंदर लाइनिंग भी दे रखी है, इट्स इन स्मॉल साइज एज वेल. एंड आई लव दिस फ्रिल वाली नेक डिटेलिंग, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, पूरा कोरियन वाइब दे रहा है, बहुत ही अच्छा, आई लाइक इट. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट ड्रेस. एंड ये मुझे बहुत ही पसंद आई है, मतलब आई डोंट वेयर फ्लोरल, मतलब मुझे फ्लोरल इतना पसंद नहीं है, बट पता है फ्रॉक्स में और ड्रेसेस में ना फ्लोरल बीजी वाइब वाले जो लुक्स होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं. आई डोंट वेयर फ्लोरल दैट मच, बट इन ड्रेसेस आई प्रेफर वेयरिंग फ्लोरल्स फॉर सम रीजन. एंड ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, एंड ये है भी प्यारी. इसका नेक ऐसा है, पीछे से इसके जिप है एंड नीचे से ऐसे फ्रिल्स दे रखी हैं जो कि बहुत प्यारी है. और बीच में बेल्ट लाइक इन्होंने दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, बेल्ट नहीं मतलब बेल्ट लाइक स्टाइल एक बैंड दे रखा है. और बाजू में भी इसके फ्रिल है ऊपर की तरफ, और नीचे यहाँ पे इलास्टिक भी दे रखी है ताकि फिटिंग अच्छी आए. और अंदर लाइनिंग एज वेल दे रखी है, ये भी जॉर्जेट ही लग रहा है मुझे. इसका नेक इतना प्यारा है, बहुत ही सुंदर, लाइक बीजी वाइब, मतलब अगर आपने ये पहनी इसके नीचे आपने अगर ऑरेंज हील्स या न्यूड हील्स या इवन ट्रांसपेरेंट हील्स भी पहनी ना, और बीच पे आप जा रहे हो या कोई बीच पार्टी है
ये बहुत ही प्यारी लगेगी, मुझे बहुत ही सुंदर लगी और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे। मतलब कुछ ज्यादा टैकी सा नहीं लग रहा, बहुत ही सटल है, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये ड्रेस। एंड इट्स ऑल्सो इन स्मॉल साइज गाइस, सारी ड्रेसेस मेरी स्मॉल साइज में है और ये मुझे इतनी प्यारी लगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जिसके नीचे ये फ्रिल आ रही है ना यार, इसने तो दिल ही ले लिया मेरा। ओके सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रेस, ये भी बड़ा अच्छा मुझे प्रिंट, मतलब बहुत यूनिक प्रिंट लगा था। सी द कलर इज सो क्यूट, काफी प्यारा लगा मुझे। इसका जो कपड़ा है ना वो अलग है, डिफरेंट है, लाइक आप आवाज सुन सकते हो, मतलब इसे मेंशन भी नहीं कर रखा, नहीं तो मैं आपको बताती। सो इसका ऐसा है कुछ लुक, इसकी बेलून वाली जो स्लीव्स होती है वैसी है, नीचे इलास्टिक दे रखा है एंड सामने से ये पूरा इलास्टिक का इन्होंने दे रखा है वर्क, ताकि एक अच्छा सा मतलब वो एकदम हग कर ले तुम्हारी बॉडी को। एंड नीचे ऐसा दे रखा है, मतलब इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, ये प्लेन ऐसे नीचे इन्होंने फ्रिल दे रखा है इसी कपड़े का। एंड उसका जो मुझे प्रिंट था ना वो मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड स्क्वायर नेक है एज यू कैन सी, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसकी जो बेलून वाली स्लीव्स है ना वो इतनी सुंदर लगेगी, मतलब डॉल लगोगे भाई। इसका प्रिंट है ना बहुत ही प्यारा लगा मुझे इसका प्रिंट। सो या ये थी हमारी आई गेस फोर्थ ड्रेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रेस एंड इट्स इन ब्लैक कलर, ब्लैक। सो इट्स इन स्मॉल साइज एज वेल और इसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, ये इसमें गर्मी लगेगी आई गेस ये पॉलिएस्टर है, मुझे भी इतने कपड़ों की नॉलेज नहीं है। सो इसका जो नेक है ना उसमें लेस डिटेलिंग दे रखी है जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगा था, बीच में भी इधर लेस डिटेलिंग दे रखी है, इस ड्रेस के अंदर लाइनिंग नहीं है और नीचे से फ्रिल आ रहा है, प्लस जो इसकी जो बाजू है ना वो बेलून स्लीव दे रखी है एज यू कैन सी, नीचे भी इसके यहाँ पे बहुत ही प्रिटी लेस वर्क दे रखा है, लेस वर्क दे रखा है। एंड जो इसका जो नेक है वो वी कट नेक है, आप देख सकते हो। एंड पूरे कपड़े में ना इसके डॉट 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 आपको दिख रहे होंगे, मतलब डॉट 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 वाला पैटर्न है। एंड या इसमें जिपर नहीं आई गेस, हाँ इसमें जिपर नहीं है, ये ऐसे ही है। सो ये ऐसी है कुछ एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगी है क्योंकि देखने में इतनी अच्छी नहीं लग रही, मतलब वेबसाइट पर अच्छी लग रही थी मुझे, बट इतनी पता नहीं यार ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, बस लोकल सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। सो या इट्स लाइक दिस, बाकी आपको ट्राई ऑन तो दिख ही रहा होगा, या तो इधर या तो उधर, दोनों में से कहीं एक जगह, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी लग रही है पहनकर। नीचे भी इसमें ना ऐसा पैटर्न दे रखा है रिंकल वाला। सो या मूविंग ऑन टू आवर लास्ट ड्रेस ऑफ दिस हॉल, सो लास्ट ड्रेस जो है ना ये मुझे बहुत प्यारी लगी है, अभी ये पूरी गोल्डन वाइब्स दे रही है, इट्स इन स्काई ब्लू कलर, मैं बता रही हूँ बहुत ही सुंदर लगी थी देखने में मेरे को एंड मुझे लग रहा है पहन के भी अच्छी लगेगी, बाकी तो बाद में पता चलेगा। मैं लाइनिंग दे रखी है अंदर एंड ये कुछ ऐसी दिखती है एंड इसका कपड़ा थोड़ा वो जो होजरी मटेरियल टाइप नहीं होता वैसा है। सो ये स्ट्रेट है, इसका जो नेक है ऐसा है एज यू कैन सी इसका नेक, एंड जो इसकी आर्म्स है ये भी यहाँ से बेलून स्लीव्स है, नीचे इलास्टिक दे रखी है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है और इसके बीच में जो ये आप काम देख रहे हो ना ये पूरी ड्रेस में हो रखा है गाइस, एंड मिडिल में लाइनिंग दे रखी है विद दैट पैटर्न वर्क, आगे से भी ऐसा कुछ पैटर्न दे रखा है सामने से एंड एक पूरी स्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्रिल वाली नहीं है, एकदम स्ट्रेट आती है और ये पूरी कोरियन वाइब देती है, मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है, कमेंट में बताना जरा। सो ये थी हमारी लास्ट ड्रेस हॉल की, मुझे काफी प्यारी लगी, इसका कपड़ा मेरे को समझ नहीं आया कि होजरी टाइप मटेरियल ही लग रहा है मुझे। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल वीडियो, ये सारी ड्रेसेस मैंने ली थी, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी इन सब में से एंड मैं देखूंगी एंड मैं रिप्लाई भी करूंगी एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।